महोदय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पहले सारे अपनी बुद्धि को खगोलो, अपने अंदर को देखो कि किस में क्या कसूर है, क्या तुम कितने कसूर में आ रहे हो और क्या तुम गुनाह कर रहे हो। इन गुनाहों की सजा से बचो हे मालिक के बंदो। तुम अपने समाज को अच्छे से चलाओ और हमारे गुरु जी के प्रति भी सोचो। उन्हें कोई भी गुनाह नहीं किया, उन्हें हमारे पास वापस भेजो और ये जो गुनाह किए हैं जिन्होंने उनको पकड़ो। नमस्कार दोस्तों, हम लाइव बातचीत कर रहे हैं उन महिलाओं से जो कि आज भी डेरा सच्चा सौदा की संस्था में उपस्थित है। जानते हैं उनसे बात करके कि क्या कारण है जो कि वो आज भी डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई है। नमस्कार मैम, आपका नाम? सुलोचना इंसा। कितने समय से आप डेरा से जुड़ी हुई हैं? मैं 35 साल से। आप इतने लंबे समय से डेरा से जुड़ी हुई हैं, एक महिला हैं, तो आपको क्या लगता है आपका यहाँ आना सेफ है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सेफ है। आपका कहना है कि आपका यहाँ आना सेफ है, लेकिन बाहर मीडिया, बाहर लोगों द्वारा कुछ और ही कहा जा रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मीडिया सरकार का खरीदा है, जो सरकार कहेगी वैसा ही बोलेगा। हम कहेंगे हमारे नहीं सुनते, और ना हम जो बोल रहे हैं उनको बिल्कुल इनको इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल नहीं अपने अमल में लेते हैं भी हम क्या कह रहे हैं। देखो, जिसके माँ बाप होते हैं वही उसके बच्चे सच जानते हमारे माँ बाप कैसे हैं। बाहर मीडिया वाले क्या जाने, क्या सरकार जा रहे हमारे पापा कैसे हैं। हम अच्छे से जानते हैं हमारे पापा जैसे दुनिया में ना तो कोई है ना कोई होगा। जैसे हमारे पापा हमें मिले, हमारे सतगुरु हमारे पापा है, न कि सिर्फ सतगुरु, माई बाप, उन्हीं ने जो शिक्षा दी, कभी दुनिया में नहीं मिली हमें ऐसी शिक्षा। बहुत बढ़िया शिक्षा दी हमारे सतगुरु प्यारे ने। परम पिताजी से नाम लिया, परम पिताजी ने भी वही वचन, वही बातें, वही शिक्षा दी हमारे, मेरे को तो बिल्कुल वही सेम टू सेम। और हजूर पिताजी हमारे शास्त्र नाम पिताजी बोल रहे हैं, जैसे हमें तो ऐसे ही आज तक एहसास हो रहा है ऐसे ही होएगा, क्यों हमें कोई भी इतना भी फर्क नहीं मिला, ले बिल्कुल दाने इतना भी, तिनके जितना भी कोई फर्क नहीं मिला भी। उन गुरु ने कोई और शिक्षा दी और इनने कोई और दिया। दोनों गुरुओं के पास मैं आती रही हूँ और मालिक ने दया मेहर किया। महीने में 2 बार 3 बार भी आई हूँ दाता की दया मेहर से, मेरे पर जितनी रहमत मालिक ने किया शायद किसी रूप में नहीं की होगी। आपका आज भी गुरु जी के प्रति इतना विश्वास, बहुत श्रद्धा है, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे यही कारण है, जो जिंदगी जी रही हूँ ना मैं आज, वो जिंदगी मेरे सतगुरु की देन है मुझे। कोई भी दुनिया वाले कभी ये नहीं, मतलब जो दुनिया वाले मुझे देखते थे नहीं, वो आज भी ये कहते हैं ये पता नहीं कैसे जी रही है, ये इतनी मर मर के बच रही है, पता नहीं क्या कारण है ये। इसको कोई ये नहीं कह रहे थे बच जाएगी, पर सतगुरु ने मेरे को बचाया है। मैं हर टाइम मर मर के, जैसे कि दुनियादारी में रहते हुए कभी बुखार होया तो तेज हुआ, और घर वालों ने जहाँ मैं आगे ससुराल में हूँ उन्हें मेरे को ना उठाया, वो इग्नोर कर देते थे, अमल नहीं करते थे राम नाम में। जो मेरे मायके वाले हैं वो राम नाम से जुड़े हैं शुरू से, उन्होंने मेरे से ये कभी उम्मीद नहीं करी भाई मैं ये ठीक हो जाए, पर मैं इधर आ जाए करती, इधर लंगर खाती, उसी टाइम मेरा सब कुछ बुखार हुआ, सिर दर्द हुआ, या मेरे को सांस प्रॉब्लम, बिल्कुल परफेक्ट हो जाती मैं। कभी भी मैंने ये एहसास नहीं किया भी मेरी बीमारी है। अगर बात की जाए समाज को लेके, तो समाज के लिए क्या क्या है गुरुजी? समाज के लिए यही कहूँगी, देखो अपने माँ बापों को यदि वो अच्छे हैं, उन्हें बुरा कहे हुए हैं उसके बच्चे, तो बच्चों में कमी है, माँ बाप में बिल्कुल नहीं है। समाज को यही कहूँगी कि हमारे गुरुजी नहीं सिर्फ हमारे माँ बाप भी है। और जैसे हमने उन्हें बचपन से, मैं सारी 13-14 साल की रही होगी, 8वीं क्लास में पढ़ती थी जब मैंने नाम लिया परम पिता जी से, उसके बाद मैं डेरे में आती रही हूँ और मालिक चाहेगा तो आती ही रहूँगी, मेरे सतगुरु प्यारे चाहेगा तो मैंने यही देखा है कि हमारे सतगुरु ने जो मेरे को शिक्षा दी है और जो सारी दुनिया को दे रहे हैं, वो दुनिया बाहर वाली दुनिया से कोई शिक्षा नहीं मिलेगी। समाज को मैं यही कहूँगी, वो समझे हमारी बातों को और हमारे सतगुरु के और हमारे जज्बातों को, वो जाने सच्चाई क्या है। दुनियादारी मीडिया के बकाए ना आए, ना सरकार के झूठे उस अफवाह में बड़े, जो बुरा इंसान है ना वो बुराई पे ही तुल्या रहेगा, अच्छे को कभी अच्छा करता नहीं देख पाता, उसे जलन हो जाती है कि अच्छा क्यों कर रहे हैं। हमारे सतगुरु ने बहुत अच्छा किया है, जो नशेड़ी है नशा करते हैं, जो वो नशा करते हुए तो समझ जाते हैं, जो नशा बेचते हैं उन्हें दुख होता हमारी दुकानदारी छूटगी, इसलिए उस समाज में वो लोग हैं तो उनकी दुकानदारी छूटगी। जबकि उन्हें शिक्षा देते हैं गुरु जी और दुकान कर लो और काम कर लो अच्छा और भी ज्यादा कमाई होगी, पर उन्हें कुछ मान गए, बहुत सारे मान गए जो डेरे आते हैं वो अमल करे मालिक के वचन पे, बहुत सारे अब भी ऐसे नहीं मानते, तो
जो नहीं मानते हो गुरु के प्रति, मतलब विरोध कर रहे हैं, गुरु को नफरत करते हैं, गुरु को बुरा भला बोलते हैं, ऐसा वो नशे वालों के प्रति है। मतलब जो राजनीति है वो सोचते हैं कदम सरसे वाले बाबर गुरु उस पर राजनीति ना कर ले, कदम प्रधानमंत्री ना बन बैठे, उन्हें ये दुख है। भी इतनी दुनिया को जोड़ रहे तो कदम राजकरण वास्ते जोड़ रहे हो। मैं उनको यही कहना चाहूँ सरकार वाले बंदों को, यदि हमारे गुरु जी पहले तो राजनीति में कभी आए नहीं और अब क्यों आएंगे, अरे यदि बाई चांस आ भी जाए उन्हें तो सपोर्ट करनी चाहिए कि एक संत राज करे तो सारी दुनिया संतों के प्यार में डूब जाएगी, प्यार की फुलवाड़ी खिल जाएगी सारे समाज में, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कभी कोई नशा नहीं करेगा, अच्छे अच्छे काम होंगे दुनियादारी में यदि कोई संत राजा बन जाए तो। जो राजा बने हुए हैं, जब से बने हुए हैं आज तक किसी भी राजा ने कोई कमी नहीं छोड़ दिया, जो भी हमारे प्रधानमंत्री बने हमारे देश के, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, अभी उन्हें बहुत अच्छे काम कर दिए। क्योंकि दो काम अच्छे कर रहे, 100 काम उन्हें बुरे करे हैं। और हमारे सतगुरु के कहीं भी जाकर देख लो, उन्हें अब सफाई अभियान किया, ब्लड दान किया, उन्होंने वैश्याओ बेटियों को अपनी बेटी बनाया और उनको जो बीमार थे उनका इलाज करवा के उनकी शादी करवाई। मतलब ऐसे सत्संगी भाई बहन है जो मतलब पिताजी के वचनों पे पूरा चलते हैं और उनसे शादी की भाइयों ने, और बहने असल जो अपाहिज है उनसे शादी करी, अपना गर्भ सहरी है और पिताजी ने यहाँ तक कह दिया बेटा गम में टेंशन में मत आया करो, बेटा बेटी को एक समान समझो और बेटी कम नहीं है बेटों से भी, दोनों को बराबर समझो। और क्राउन का चला दिया पिताजी ने कि लड़की अपने लड़के को शादी करके अपने घर ले जा सकती है और वो अपना वंश बढ़ा सकती है। देखो पिताजी ने इतनी शिक्षा दी है, क्यों दी है, जे बेटा ना हो वो टेंशन में आकर खुदकुशी कर जाते हैं, टेंशन कर जाते हैं, हमारे बेटा नहीं है, उनके भलाई के लिए ही किया ये कदम, अच्छे के लिए करते हैं। पिताजी ये कहते बेटा टेंशन में आकर खुदकुशी करना महापाप है, खुदकुशी जैसा कोई पाप नहीं है। तो इसलिए पिताजी तो किसानों को भी यही शिक्षा देते रहे, भाई किसान है, एक बार फसल कम होगी कोई बात नहीं, टेंशन से कुछ नहीं हाल होगा, अगली बार अच्छी हो जाएगी, पर टेंशन में मरो मत। पिताजी ने किसान मेला में भी सारा समझा खेती कैसे करनी है, प्रेमी सत्संगी भाइयों को भी लगाया भी खेती कैसे करनी है, किस तरह से पानी की बचत करनी है, किस तरह पानी खेती में लगाना है, सारा समझाते पिताजी ने, कोई कसर नहीं छोड़ी दुनिया को वो ज्ञान देने में, इतना ज्ञान दिया है। पर भी मैं यही कहूँ समाज से, जिस समाज को ज्ञान नहीं है लेना ना लो कोई बात नहीं, पर वो बुरा तो ना बोलो कम से कम, जो ज्ञान ले रहे हैं उनके प्रति तो जड़ो तो ना, ना जड़न करो उनके प्रति। मैं यही अरदास करूंगी मेरे सोने सतगुरु जी, हे मालिका, ये समाज में ऐसी शिक्षा दे रखी है जो आपने, ये समाज भी आपकी दया मेर से, इसमें भी मैं अरदास करूंगी, इसमें भी ऐसी बुद्धि आ जाए, इन्हें भी ऐसी सुमति मिल जाए, ऐसी शिक्षा मिल जाए कि ये अच्छे कर्म करे और किसी को भी बुरा ना कहे, मेरे गुरु को नहीं सिर्फ किसी को भी बुरा मत कहे, क्यों ये खुद अपने अंदर झांक कर देखे हम कितने अच्छे हैं, ये खुद अच्छे नहीं है तो ये अच्छा बनो, यही अरदास है मैं अपने सतगुरु से करती हूँ, मेरे प्यारे सतगुरु सोने सतगुरु से यही अरदास है मेरी। और सरकार से ये अपील है, यदि राजा बन ही गए, यदि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन ही गए हो तो अच्छे काम करने के लिए बने हो, न कि देश को उजाड़ने के लिए, अपने देश के प्रति वफादारी दिखाओ, अपने देश के बच्चों को बच्चे समझो, अपने देश के प्रति बढ़िया से बढ़िया काम करो और देश तुम्हें बार बार प्रधानमंत्री बनाएगा, मुख्यमंत्री बनाएगा, एमएलए बनाएगा, ये दुनिया तुमसे दूर नहीं है, पर इस दुनिया को बिना आई मौत मत मारो। मैं यही हाथ जोड़कर ये सरकार से अपील करती हूँ। आप सरकार अपने वीडियो द्वारा क्या संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहते हो? मैं वीडियो द्वारा यही संदेश पहुँचाना चाहती हूँ लोगों द्वारा, लोग है जो वो अफवाहों में मत आए, किसी भी अफवाह में उलझ कर अपने आप भाई बहनों को, अपने रिश्तेदारों को किसी को कष्ट मत पहुंचाए, एक दूसरे को मत मारा मारी करे। और हमारे गुरु को तो जो बोला बोला वो बोल चुके हैं, अब भी जो समाज में हो रहा है इसे भी शांति से पेश आए, इसमें भी ज्यादा खलल ज्यादा गुस्सा क्रोध मत दिखाए, वो सारी दुनिया अपने भाई है, कोई माँ है, कोई बाप है, किसी का लाल है, किसी का बाप है, ये सब अपने ही है, कोई दूसरे नहीं है। और जो मतलब विरोधी तत्व है वही इस बढ़ावा दे रहे इस लड़ाई को, कोई भी लड़ाई समाज में कभी नहीं होनी चाहिए, ये अपने खुद की लड़ाई है, किसी और के प्रति नहीं है, जिसके प्रति लड़ाई है, जिसके प्रति रोष है, वो तो सामने नहीं आते, ये तो एक दूसरे को भाई ही खत्म कर रहे हैं, किसी का बेटा किसी का माँ बाप, आप एक दूसरे को मार रहे हैं, किसी के कहे, जो कह रहे हैं वो तो राम से कुर्सियों पे बैठे हैं,
जो कह रहे हैं उनके प्रति सोचो, जो कह रहे हैं उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, पर तुम अपने आप क्यों मर रहे हो। मैं यही कहूंगी दुनिया से, यही मेरी अरदास है मेरे सोने सतगुरु के चरणों में भी, हे मालिका इनको बुद्धि दो कि अपने आपस में मत मरो, कभी भी मत मरो। और हमारे सतगुरु को भी समझो कि हमारे सतगुरु कितने सच्चे उपदेश देते हैं, कितना सच्चा ज्ञान देते हैं मेरे सतगुरु। हमारे सतगुरु में कोई कमी भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो वो आंध्र सुनारे धाम में जा रहे हैं, ले गए हैं उन्हें, मैं मानती हूँ ले गए हैं, पर गुना तो उन्हें इतना भी नहीं किया आज तक, उनके बिना गुना उन्हें ले जाया जा रहा, दुख हमें बहुत ज्यादा है। और सरकार से अपील करूं हूं, हे सर महोदय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पहले सारे अपनी बुद्धि को खगोलो, अपने अंदर को देखो कि किस में क्या कसूर है, क्या तुम कितने कसूर में आ रहे हो और क्या तुम गुना कर रहे हो। इन गुनाहों की सजा से बचो, हे मालिक के बंदो तुम अपने समाज को अच्छे से चलाओ। और हमारे गुरु पर गुरु जी के प्रति भी सोचो, उन्हें कोई भी गुनाह नहीं किया, उन्हें हमारे पास वापस भेजो, और ये जो गुनाह किए हैं जिन्होंने उनको पकड़ो। जी मैम, धन्यवाद। देखा आपने किस तरीके से उन्होंने बताया कि क्या है आखिर डेरा सच्चा सौदा का सच। ऐसी ही सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रही द फैक्ट आई के साथ। धन्यवाद।